नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगी बैंकों के बकाया वसूली की जानकारी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल बकाया वसूली मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सरकार से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है जो पिछले 10 सालों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों और उनकी अपीलीय इकाइयों में लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश टीएफ ठाकुर की अध्यक्षता में न्यायालय की एक पीठ ने सरकार से इस प्रश्न का उत्तर मांगा है कि क्या वसूली न्यायाधिकरण इस तरह के मामलों पर एक निश्चित समय सीमा में कानून के तहत निर्णय करने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं या नहीं। इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि गैर निष्पादित आफतियों का आंकड़ा कई लाख करोड़ रुपए का है और इसकी वसूली की प्रक्रिया तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋण की वसूली के लिए बनाई गई डीआरटी और ऋण वसूली अपीलीय प्राधिकरण की व्यवस्था खराब हालत में है। इससे पहले न्यायालय ने जनहित याचिका में उठाए गए एक मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह डीआरटी और डीआरएटी में ढांचागत सुविधाएं, श्रम बल एवं अन्य सुविधाओं में कमी से संबंधित था। गौरतलब है कि डीआरटी और डीआरएटी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के फंसे हुए कर्ज की वसूली याचिकाओं का निपटारा करते हैं। न्यायालय सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यह याचिका वर्ष 2003 में दाखिल की गई थी, जिसमें सरकारी कंपनी आवास एवं शहरी विकास निगम द्वारा कुछ कंपनियों को बांटे गए ऋण का मुद्दा उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2015 में करीब 40,000 करोड़ रुपए के कारपोरेट ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया गया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र के 31 जनवरी से शुरू होने की संभावना, 1 फरवरी को पेश हो सकता है बजट। घने कोहरे की चपेट में दिल्ली, रेल, हवाई एवं सड़क यातायात प्रभावित। ट्रंप के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिकी चुनावों में रूस के खिलाफ हैकिंग का कोई सबूत नहीं। कैदियों को ठूस ठूस कर भरने के मामले में देश के 5 अव्वल प्रदेशों में शामिल है मध्य प्रदेश, एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से विध्वंसक प्रौद्योगिकी के उदय पर नजर रखने को कहा। अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।